एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का 42nd केस है। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे, इस समय चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में जो हमारे यहाँ स्मॉल रेमिनेंट होते हैं जिसमें गोट और सीप आते हैं, इसमें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आती है जिसको हम लोग PPR के नाम से जानते हैं। PPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेस्ट डेस पेटाइट्स रूमिनेंट। इसका जो कंप्लीट नाम होता है थोड़ा सा टफ लगता है, इसे लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में PPR के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा इसको गोट ब्लैक के भी नाम से जानते हैं या ओवाइन रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं या इसको प्लेग ऑफ स्मॉल रूमिनेंट भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये जो PPR होता है कि एक्चुअली में होता क्या है। PPR एक एक्यूट वायरल डिजीज है। ये बीमारी जिस भी एनिमल को पकड़ती, चाहे वो गोट हो या सीप हो, उसमें सबसे पहले बुखार आता है और ये जो बुखार होता है, ये जो फीवर होता है 106 डिग्री फारेनहाइट तक होता है या कई बार इससे ज़्यादा भी चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे उस एनिमल के आँख से और नाक से सबसे पहले वाटरी सिक्रीशन आएगा और उसके बाद ये जो वाटरी सिक्रीशन होता है ये गाढ़ा होने लगता है। इस कंडीशन में उस एनिमल को निमोनिया भी होने लगता है जिसकी वजह से उसको खांसी भी आने लगती है। इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे, अगर उसका मुंह खोल करके देखेंगे तो मुंह में बेसिकली स्टोमेटाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब जितनी भी ओरल कैविटी होती है उसमें इन्फ्लामेशन आप देखने पाएंगे और इसी वजह से जो एनिमल होता है हमारा चारा भी नहीं खाता है। और ये जो फीवर जब और आगे बढ़ता है तो फिर उस एनिमल्स में सबसे पहले डायरिया का डेवलपमेंट आता है और फिर बाद में डायरिया में क्या आने लगता है, ब्लड भी आने लगता है। जितने भी हमारे स्मॉल किड्स होते हैं, चाहे वो गोट के हों या हमारे सीप होते हैं, उनकी मॉर्टेलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट जो होते हैं। लेकिन इसकी अगर मॉर्बिडिटी की बात करें तो मॉर्बिडिटी इसकी लगभग 100% के आसपास होती है और मॉर्टेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 50 से लेकर 90% या 100% तक इसकी मॉर्टेलिटी भी होती है। मतलब ये एनिमल के लिए एक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। अगर हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो बेसिकली जो पैरामिक्स बिरेडी फैमिली होता है इसका एक जीनस मार्बली वायरस का होता है और मार्बली वायरस का एक मेंबर होता है जिसको पेस्ट डेस पेटाइट्स रूमिनेंट वायरस बोला जाता है। ये बीमारी बेसिकली इसकी वजह से होती है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन ये बेसिकली दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहे अपलर डिस्चार्ज के थ्रू हो या नेजल डिस्चार्ज के थ्रू हो या ओरल जो सिक्रीशन होता है उसको थ्रू हो या जो डायरिया करते हैं जो फीसस निकल के आता है उसके कांटेक्ट में होता है, तो ये बेसिकली ये डायरेक्ट कांटेक्ट से आता है। और दूसरा होता है एरोसॉल रूट के द्वारा। इसमें बेसिकली जब निमोनिया कंडीशंस डेवलप होती है तो उस समय उस एनिमल को खांसी भी आती है और जिसकी वजह से वो जो वायरस होते हैं हवा में आते हैं और इस हवा में आए हुए जो वायरस होते हैं जो हमारे हेल्दी एनिमल होते हैं उन तक पहुँच जाते हैं। एक बार फिर अगर हम साइन की पूरी समरी बनाते हैं कि इस बीमारी में कौन कौन से साइन और सिम्टम आते हैं तो सबसे पहले हाई फीवर आप देखने पाएंगे 106 डिग्री फारेनहाइट, दूसरा इरोसिव स्टोमेटाइटिस कंडीशन देखने को पाएंगे, तीसरा कंजक्टिवाइटिस देखने को पाएंगे, चौथा गैस्ट्रोएंटेराइटिस देखने को पाएंगे, पाँचवा निमोनिया कंडीशन देखने को मिलेगा और छठा आपको ड्राई मजन मिलेगा और सातवां आपको ऑक्लोनेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको वाटरी डायरिया कई बार आपको मिलेगा और वाटरी डायरिया के साथ उसमें कई बार आप ब्लड भी देखने को पाएंगे। इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि एक वायरल डिजीज है। हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होता है और एक और रहता है कि इसमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना डेवलप हो पाए, तो इसलिए बेसिकली हम इसमें दो एंटीबायोटिक का सिलेक्ट करते हैं, एक सेफ्ट्राइक्जोन का सिलेक्शन करते हैं, दूसरा जेंटामाइसिन का। इसके अलावा इसमें एक मल्टी विटामिन दिया जाता है, एक मिलॉक्सिकम पैरासीटामॉल का यूज किया जाता है, साथ में अगर डायरिया बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 5% डेक्सट्रोज दिया जाता है और मेट्रोजन भी चढ़ाया जाता है। ये सारी दवाएं कम से कम एक सप्ताह तक चलती हैं तभी जाकर के उस एनिमल को बचा मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।